हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विथ लव। आज मैं बना रही हूँ सूजी काकरा। ये ओडिशा में नॉर्मली फेस्टिवल और पूजा के टाइम पे घर पे बनता है। ये बहुत ही टेस्टी है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है फ्रेश कोकोनट 2 कटोरी और उसमें डालूँगी 1/2 कटोरी शुगर और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा टाइम कुक करूँगी। फिर डालूँगी उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और 2 से 3 इलायची को क्रश करके डालूँगी और उसको मिक्स करके थोड़ा टाइम के लिए पकाऊँगी। जब ये बन जाएगा इसको निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसी कढ़ाई में मैंने लिया है 4 कप वाटर, उसमें डालूँगी थोड़ा सॉल्ट, आपके टेस्ट अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, 2 to 3 टेबलस्पून शुगर और सौंफ, और उसको बॉईल होने के लिए हम छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा फिर उसमें हम लेंगे 2 कप सूजी और उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे कि वहाँ पे कोई भी गुठलियाँ ना रह जाए। उसको मिक्स करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ा वार्म रहेगा उस टाइम पे उसको हम निकालेंगे और उसको अच्छे से उसका सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। अभी मैं बॉल्स बनाऊंगी। सूजी बॉल्स में मैं स्टफिंग दूंगी कोकोनट का, उसको अच्छे से स्टफिंग करेंगे। आप हाथ में थोड़ा सा पानी या ऑयल लगा दीजिएगा, नहीं तो वो हाथ में चिपक जाता है। और उसको अच्छे से सील करिएगा जैसे कि कोई क्रैक ना रह जाए, तो जब हम फ्राई करेंगे वो अच्छे से फ्राई होंगे, नहीं तो वो फट के सब तेल में आ जाएंगे। ऐसे ही मैं कुछ बॉल्स बना लूँगी जिसको हम फ्राई करेंगे। मैंने कुछ बॉल्स बना लिए हैं, अभी उसको हम फ्राई करेंगे। देखिए इसको ऐसे ही दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे जैसे कि वो कुक हो जाए अच्छे से। ये ऊपर से बहुत ही क्रंची रहता है और अंदर से सॉफ्ट और स्वीट रहता है। आप इसको 3-4 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। जब तक ये गोल्डन कलर का हो जाएगा तब तक हम इसको कुक करेंगे। मैं थोड़ा सा डीप फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा क्रंची पसंद है। आप चाहें तो 5 मिनट के पहले भी उसको निकाल सकते हैं। अभी ये बन गया है, आप चाहें तो इस स्टेज पे निकाल सकते हैं, पर मैं इसको थोड़ा और फ्राई करूँगी। अभी देखिए ये तैयार हो गया है, अभी इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, घर में सबको बना के खिलाइए। अगर आपको ये पसंद आई तो आप लाइक करिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।